हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नजराना व्लॉगिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी रात का 1:30 बज रहा है और आज माशाल्लाह से आज सेकेंड लैलतुल कद्र की रात है। तो हम लोग इबादत करने जा रहे थे लेकिन आज इतना ज़्यादा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है फ्रेंड्स कि क्या बताएं। बस एक चार्जिंग वाला बल्ब लगा हुआ है, उससे ही पूरे घर में रोशनी हो रहा है। और इतना ज़्यादा गर्मी फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो अभी रात का 1:30 बज रहा, अभी हम नहाए हैं। वैसे नहाना तो नहीं चाहिए, अम्मी लोग मना करती है कि रात में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी क्या हो लग गया हा? बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नहाना पड़ा। और अब फिर से वेट करते हैं लाइट आने का। जब तक नहीं होता तो यहीं पास चेयर लगा करके बैठ जाते, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर लाइट आएगा तब नमाज़ पढ़ेंगे। क्या जी, है ना? अस्सलाम वालेकुम। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज अच्छा, अगर आपको हम बोलेंगे दिन मेरे जैसे हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं वैसे करें तो कर लीजिएगा। नहीं, हम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है 2 साल की। अरे दो साल छोड़िए ना, मतलब हम जैसे बोलते हैं वैसे बोल लीजिएगा। इतना जल्दी नहीं बोल सकते हैं। जैसे ठीक है, स्लो ही बोली, देखते बोल पाते हैं। स्लो ही क्या बोले, बस बोल सकते हैं। और क्या बोले, जैसे हम बोलते हैं ना, हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नजराना व्लॉगिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दो लाइन तो बोलना है, बोल के दिखाइए तो। क्या बोलना? रहने दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नजराना व्लॉगिंग। आई होप कि आप लोग कैसे होंगे। कैसे होंगे नहीं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लाइट तो अभी आने से रहा। हाँ जी, हाँ। फिर मेरा बेटा इतना बदमाश है ना, वो भी देखे अभी तक जागा हुआ है। हम लोग नहीं सोते ना, हम लोग रात में नमाज़ कुरान करते तो वो भी बैठ के साथ में बैठा रहता है, या तो साथ में पढ़ता है और देखिए वहाँ से हेलो कर रहा है, अंधेरा में से दिख नहीं रहा। यहाँ फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने अब, और ये चार्जिंग वाला बल्ब निकाल के ले आए घर में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था इसलिए। और यहाँ पास मेरे हस्बैंड अब नमाज़ पढ़ेंगे और हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। देखिए टकलू को, सो ना बेटा। सो फ्रेंड, अभी 2:20 हो चुका है और हम आधा पारा मतलब पढ़ गई है, मेरे हस्बैंड का नमाज भी हो गया देखिए। और हमको बहुत तेज़ मतलब आ रहा है नींद। नींद आने का रीज़न बता दीजिएगा, नींद का है यार हमको बताइए ना। आज जो है ना, जो बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली है बेचारी, और मेहनत अपने जो है बॉडी से हाथ पर से नहीं की है, मेहनत की है ब्रेन से। तो थोड़ा सा नहीं, इसका सर में भी दर्द है, इसलिए बेचारी जा रही है सोने, क्योंकि इसका एक सूट था, उस सूट में बेचारी बहुत दिमाग लगाई और अच्छा अच्छा टेलर उसको नहीं कर सकता था, लेकिन ये बेचारी का माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है सुन लिया इसका, सुनने लिए मेहनत का फल दिखा दी है। हाँ। नहीं, अगर इंसान बॉडी से थकता है ना उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग थकता है ना बहुत ज़्यादा ये होने लगता है, सर में दर्द भी हो रहा है, एकदम कैसे नींद भी आ रहा है, ये वाला कहानी बता दे क्या। और जानवे करते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद आदमी को अगर थोड़ा देर के लिए भी अगर नींद पूरा ना हो, रेस्ट नहीं मिले तो आदमी पागल हो सकता है। नमाज से बैठे फालतू बात में बोली, दुआ करिए। अच्छा अच्छा तस्बीह पढ़ रहे हैं आप, फालतू बात बोल रहे हैं, तोबा तोबा करिए, तोबा बोलिए। नहीं फ्रेंड्स, एक सूट मतलब वो जो ईद के लिए एक सूट लिए है ना फ्रेंड्स, तो उस वक्त वहाँ खोल के हम देख रहे हैं कपड़ा कैसा है नहीं है, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा पसंद आ गया था। घर पे आए तो अम्मी को सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और जब वो कपड़ा को जब खोले हैं उसको कटिंग करने के लिए, तो कपड़ा इतना कम था फ्रेंड्स कि मतलब उसका कोई हद ही नहीं था। अगर किसी टेलर को दे तो वो टेलर पक्का 100% है कि कपड़ा वापस कर देता, कपड़ा वापस कर देता, कि तुम्हारा कपड़ा छूता ही नहीं वो। हाँ, इतना दिमाग लगा है, कपड़े को कोई छूता ही नहीं जितना इस कपड़े में ये बेचारी दिमाग लगाई। हम कहते और सब चीज़ में अगर कोई दिमाग लगाती तो नहीं कहते APJ अब्दुल कलाम मिसाइल खड़ा कर दिया, मिसाइल खड़ा कर देती जितना दिमाग लगाई है सूट में। उस सूट को इतना मेहनत करके फ्रेंड्स 4 दिन तो उसमें हम सिर्फ उसको दिमाग लगा जोड़ जाड़ मतलब इतना ही। मत पूछिए फ्रेंड्स, इस चीज़ के मामले में पूछिए ही मत, जिस दिन ये सूट में नहीं आपको दिखा देगी कितना जगह जोड़ा है। नहीं तो खैर पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह बन गया इतना अच्छा था, लेकिन पता लग नहीं रहा है कि उस कपड़ा में इतना जोर जाड़ लगा है। इंशाल्लाह ईद में पहनेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो है ईद में जो है
ईद में इंशाल्लाह ये नजराना जो है पहनेगी सूट, तो आप देख ही लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हो गया हम लोग का सहरी और अभी 4:25 हो गया, अब अजान होगा 4:30 होगा ना, 4:30 में अजान होगा, हम लोग का सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। थोड़ा देर हम सो के भी उठ गए आधा घंटा, और फिर सो के उठे तो बाद कुछ शूट नहीं किया क्योंकि उठ के जल्दी जल्दी रोटी वोटी बनाए, चाय बनाए, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और अब चलते हैं फिर से, जब तक अजान होता है तब फटो कुरान से तिलावत कर लेते, फिर फजर का नमाज़ पढ़ना, फिर आपको से मिलेगा इंशाल्लाह सो उठने के बाद। आपका चना भी फुलाना है, भूल गए थे। हो गया मेरा फजर का नमाज़ माशाल्लाह, और मेरे हस्बैंड सो गए हैं, हम भी जा रहे थे सोने के लिए, बट फ्रेंड्स रात भर इतना ज़्यादा लाइट प्रॉब्लम की और अभी भी वही हाल है। जैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो लाइट चला गया, तो वो चार्जिंग बल्ब था उससे झाड़ू को लगा लिए है। यहाँ ये देखिए इतना सारा बर्तन रखा हुआ है, तो सोचे पहले बर्तन क्लीन कर लें उसके बाद सोएंगे, क्योंकि फिर सो के उठने वाले तो टेंशन दिमाग में लग रहा था, ये काम करना वो काम करना, तो पहले झाड़ू वगैरह दे लिए, पर क्लीन कर लिए हैं और बर्तन धो लेते हैं, नमाज़ पढ़ लिए हैं, उसके बाद सोएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर सो ही रहे थोड़ा सुकून से सोएंगे, और उठने के बाद फिर टेंशन लगा रहा था कि ये काम करो वो काम करो, तो सारा काम यहाँ कर लें, जो खाना गर्म करना था, जिसको से चेंज करना था, सब कुछ कर दिए, चना फुला दिए थे जैसा कि आप देखे पहले, और बस धो लेते हैं बर्तन। अब बर्तन धोने के लिए फिर एक प्रॉब्लम है कि ये देखिए हम लोग नल है, पानी ही नहीं आता है, देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है फिर टंकी में, जो ऊपर पानी चढ़ता है ना टैंक में, तो पानी मतलब और इंटरलॉक रहने ही नहीं देते, तो अभी सप्लाई पानी आ गया है तो हम पाइप लगा लेते हैं, उसके बाद बर्तन धोते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ लग चुका है पाइप, और अब धो लेते हैं जल्दी से बर्तन। फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं हो गया सारा बर्तन क्लीन, कितना सारा बर्तन था, क्योंकि इतना सारा इसलिए जमा हो गया इफ्तार से लेकर के सहरी तक का ये बर्तन था, क्योंकि पानी के जैसा पता है आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। और देखिए सामने रोशनी भी हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स 5:30 हो गया, और देखिए 5:30 होते होते अच्छा खासा पूरा रोशनी हो गया, और इसमें भी पानी भर ले रहे हैं, क्योंकि दिन में अगर पानी नहीं रहता है तो इसमें से पानी काम आ जाता है हम लोगों को बर्तन वगैरह धोने के लिए। कर देते हैं अब सब जगह लाइट ऑफ और चलते हैं अब फर्दर सोने के लिए, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है दिन में। तो अभी 12:30 हो रहा है और हम 12 बजे उठ गए सो करके, सोए थे 6:30 बजे, और माशाल्लाह यहाँ देखिए बाबू को रुक बेटा रुक रुक, देखिए अपने से पूरा मुंह हाथ धो के कपड़ा चेंज कर लिया, आज पूरा सबसे सीधा सीधा पहना है, जूता से लेकर कपड़ा तक रिकॉर्ड हो गया। और उसके साथ हम फिर किचन में आए, जो सुबह में सारा बर्तन धो के रखे थे सबको अपनी जगह पर सेट कर दिए, और यहाँ मेहंदी घोल रहे बाल में लगाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है, और यहाँ हम चना बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जाएंगे लेके काम में उसके लिए। और मेरा फेस देख सकते हैं फिर सुबह उठने के बाद कैसे हम दिखते हैं, बाल उल सब फेस एकदम चिमगांडी दिख रहे हैं। बाबू को करा देते हैं नाश्ता, तो उसे नाश्ता में कलेजी और पूड़ी, आ जाओ बेटा आओ, अरे मैं पढ़ाकू बच्चे इंजीनियर, आओ ना। हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, तो फ्रेंड आज हो गया नेक्स्ट डे, मतलब कि आज है 24th का सहरी है ना, 24 ना 24th का सहरी। कल बाबू को जो खाना खिलाते वक्त छूट गए, तो उसके बाद दिन भर कुछ छूट नहीं किए,
क्योंकि कल से थोड़ा तबीयत में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ऐसे लो लो सा लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा बेचारा, वो तो उनका तो बात ही अलग है, वो तो अलग ही लेवल का थक जाते हैं। और अभी हम लोग जा रहे सहरी करने के, यहाँ बन चुका है चाय। मेरे हस्बैंड का तो हम क्या बोलते हैं फेवरेट ये हो गया है ना, मजबूरी का मजबूरी मजबूरी है ये तो, हमको लगा पसंद शौक से खा रहे हैं खाने के लिए। चलिए तो चाय और पूड़ी ये थोड़ा शौक से खा लेते हैं, ये भी और हम भी खा लेते हैं। तो फिर उनका सहरी यही चल रहा है और माशाल्लाह से आज ये दिन पार होने के बाद आज फिर से आ जाएगा लैलतुल कद्र की रात। आ जाएगा 25 का रात हो जाएगा अब ना, 21 हो गया 25 का रात। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इबादत कर रहे होंगे और हम लोग के लिए दुआ भी कर रहे होंगे और अल्लाह पाक सबके दुआ को कबूल फरमाए। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समेंट करते, बहुत छोटू सा बना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आप सभी लोगों को 24th का सहरी मुबारक। रमज़ान जा रहा फ्रेंड्स, इतना जल्दी पता भी नहीं चला, इस वक्त रमज़ान कुछ जल्दी ही चला गया ना, है ना जी। एकदम लग रहा कि आया तुरंत में चल गया, पता ही नहीं चल रहा। बस अल्लाह पाक जो भी इबादत की अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, तौबा करने का एक मौका नहीं मिलता इंसान को और चला जा रहा। रमज़ान क्या जा रहा, रमज़ान तो आगे चल फिर वापस आएगा, अब पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह पाक हम लोगों की इबादत कबूल फरमाए। और बस तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।